हम पूछना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से, हम पूछना चाहते हैं अपने स्वास्थ्य मंत्री जी से, ड्यूटी किया और 3 महीना काम कराकर और हम लोग को ना बिना वेतन दिए हुए और डायरेक्ट निकाला जा रहा है। हम लोग का ज्वाइनिंग लेटर दिया गया और ना अभी तक 1 रुपया पेमेंट भी किया गया। आपने जो फंड पास किया था वो किसको दिए? कि नहीं 3 ही महीना के लिए आप लोग का TNM कंपनी जो है यहाँ पे लाया था, उसके बाद हम नहीं जानते हैं। आप लोग का कौन माई बाप है हम नहीं जानते। कराकर और हम लोग को ना बिना वेतन दिए हुए और डायरेक्ट निकाला जा रहा है। इसके चलते हम लोग ना CM जी से मिलने आए हुए हैं, हम लोग को समाधान किया जा रहा है। और जब भी हम लोग को पेपर में दिया गया था कि 6 मंथ के लिए एक्सचेंज किया गया है और अनुबंध पर कोविड कर्मियों को रखा जाएगा, जो हम लोग को उसी को मांग को लेकर के यहाँ आए हैं। यहाँ पे मिले या भी मिलने के लिए आए हुए हैं CM आवास में, इन CM जी से हम लोग मिले हैं। रिम्स प्रबंधक और डायरेक्ट हम लोग को 10 तारीख को निकालने का आदेश दे दिया, सूची जारी कर दिया, जिसके लेकर के हम लोग ना जब ज्वाइनिंग हुआ था हम लोग का 1 साल के ना कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर हुआ था, जिसमें NRHM रजिस्टर में लिखा गया था। 15 दिन बाद हम लोग ड्यूटी किया, उसके बाद में ना TNM कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया और हम लोग के बोला जा रहा है 16,564 रुपया जो मेरा सिस्टर का वेतन था उसमें 10,547 रुपया मूल वेतन बना के लागू किया गया। आखिर हम जानना चाहते हैं कि हम लोग का किस आधार पर पैसा इशू किया जा रहा है। इस चीज़ को मांग को लेकर के हम लोग आए, हम लोग को अनुबंध पर रखा जाए। जब सरकार बोले हैं, जब हमारे CM जी बोले हैं कि हम कोविड में ड्यूटी करने वाले को हर आदमी को हम अनुबंध पर रखेंगे और कोविड सर्टिफिकेट देंगे, तो हमको वो चीज़ चाहिए, हमको उसका आरक्षण चाहिए, उसी के लिए हम लोग आए हैं सर मिलने के लिए। स्वास्थ्य मंत्री जब आदेश दिए थे हम, हाँ प्रबंधक क्या कहना है? रिम्स प्रबंधक कहता है कि नहीं 3 ही महीना के लिए आप लोग का TNM कंपनी जो है यहाँ पे लाया था, उसके बाद हम नहीं जानते हैं। आप लोग का कौन माई बाप है हम नहीं जानते। हम लोग अगर काम भी कीजिएगा तो हम लोग 1 रुपया पेमेंट नहीं करेंगे। काम करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन पेमेंट हम लोग इसका उत्तरदायी नहीं होते हैं। कि हम लोगों ने कोविड काल में ड्यूटी किया और 3 महीना बाद हम लोगों को हटाया जा रहा है, और जब हम लोग को बहाली लिया गया जा रहा था उस समय कभी ये नहीं बताया गया था कि कितने दिनों के आप लोग रखा जा रहा आप लोगों को, ठीक है। और रही बात कि कोविड में हम लोगों ने जान जोखिम में डाल के काम किए हैं और उसके बाद बोलता है कि आप लोग यहाँ से जाइए, आप लोगों का कार्य अधिक समाप्त हो चुका है। फिर हम पूछना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से, अपने स्वास्थ्य मंत्री जी से, कि कोविड का जो आपने बहाली निकाला था, आपने जो फंड पास किया था वो किसको दिए? क्योंकि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का कहना है, बन्ना गुप्ता जी का कहना है कि आप लोग को TNM ने बहाल किया है, एजेंसी TNM समझे, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं TNM को, TNM एजेंसी को, कंसल्टेंट एजेंसी को बहाल करने के लिए रिम्स में किसने ऑथराइज किया था? और आखिर में रिम्स में जब कोविड का वार्ड बना, कोविड का सेक्शन बना, तो उस सेक्शन में बहाली लेने के लिए रिम्स का HOD क्यों उस जगह में कार्यभार को संभाला? डॉक्टर संजय कुमार सिंह जो हमारे इंचार्ज और HOD थे आपका कोविड का, ठीक है, हम ये पूछना चाहते हैं, ये जब बोलते हैं कि मैं नहीं जानता हूँ, हमारे स्वास्थ्य मंत्री बोलते हैं मैं नहीं जानता हूँ, तो हम स्वास्थ्य मंत्री जी से एक सवाल करना चाहते हैं और मुख्यमंत्री जी से एक सवाल करना चाहते हैं कि कोविड का फंड पास किसने किया और इसका मेन हेड ऑफ डिपार्टमेंट किसको बनाया और वो डिपार्टमेंट ने रिम्स को कैसे डिपार्टमेंट बना करके लोगों को हायर करके काम करवाने का ऑथराइज किसने किया? हमें इसकी जवाब चाहिए, क्योंकि अब एजेंसी पे थोपा जा रहा है, लेकिन साफ एक लेटर वहाँ सटा हुआ था, साफ उस लेटर में लिखा हुआ था कि ये केवल बहाल करने के लिए है, आप लोग RCH यानी कि NRHM के द्वारा आप लोग आए हुए हैं और NRHM के द्वारा आए हुए हैं, तो हमें बहाली NRHM ने किया है, ठीक है, हम एजेंसी को नहीं जाने। एजेंसी कोई रिम्स में बहुत सारा ठेकेदार वाला काम चलता है जो अपने अंदर बहाल करके काम करवाता है, लेकिन हम कोई ठेकेदार के अंदर नहीं थे, हम कोई डेली बेसिस पे नहीं थे। हमारा एक चार्ट भी बनाया गया है जिसमें कि हमारा PF फंड कट रहा है, हमारा बोनस कट रहा है, तो आप 3 महीना में कौन सा ऐसा कंपनी है, कौन सा ऐसा गवर्नमेंट रूल है, कौन सा ऐसा सेक्शन हमको बता दीजिए कि उस 3 महीने में PF काटने का ऑथराइज किया जाता है, आप 3 महीने PF काट के और बोनस फंड काट के और बाहर कर दिया जाए? सैलरी मिला आप लोगों को? नहीं मिला सैलरी, इसीलिए तो बोल रहे सारा चार्ट दिखला दिया गया है, 2-2 बार हमारा अकाउंट लिया गया है,
फिर भी हमारा अभी सैलरी हमारा नहीं चढ़ा है। 24 घंटा का टाइम और हमारे बन्ना गुप्ता जी ने, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था, डीएनएम कंपनी के साथ जब एक मीटिंग हुई थी, हमारे कुछ साथी लोग गए थे उस मीटिंग में बन्ना गुप्ता जी के पास, तो उन्होंने कहा था 24 घंटे के अंदर मैं पेमेंट करवा रहा हूँ, लेकिन दो महीना पहले, लेकिन ये भी नहीं हो पाया। और उसके बाद अभी तत्काल रिसेंट में बन्ना गुप्ता जी आए हुए थे, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे रिम्स में आए थे डॉक्टर साहब के पास, वहाँ कुछ नर्स लोगों ने सवाल किया तो बोलता है आप लोगों को टीएनएम में बहाल किया है, टीएनएम समझे। तो मैं उनसे ये प्रश्नली सवाल करना चाह रहा हूँ कि आखिर में टीएनएम को बहाल करने के लिए कोविड का बहाली के लिए टीएनएम को ऑथराइज किया कौन, हमें ये बताइए, और हमें पेमेंट कैसे मिलेगा ये बताइए, और हमें काम चाहिए। हम 3 महीना जान अपना जोखिम में डाल करके 3 महीना वर्क करें, उसके बाद हमें हटा दिया जाए, यानी हमारे कोई मोल नहीं है।